इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साक्षी महाराज जी। सर, एक दौर था आपके साथ बड़े अच्छे से काम करती थी मैम, अब नहीं रही। मेरा और सुषमा जी का राजनीति में आने से पहले का संपर्क था, जब मैं शिक्षा जगत में पढ़ता था पलवल में। और अभी 15 दिन पहले संस्कृत में शपथ लेने वाले सांसदों के स्वागत कार्यक्रम में वो चीफ गेस्ट थी। चूँकि मुझसे बहुत स्नेह करती थी, मेरी मार्गदर्शन भी करती थी, मैंने उनसे पूछा, दीदी कैसे हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और कष्ट भी हुआ। मुझे लगता है एक युग का अंत हुआ है। सर, कुछ सांसद ऐसे जिसके पारिवारिक संबंध भी थे, जिसमें आप भी हैं, तो मैडम से कुछ पारिवारिक संबंध थे? उनके परिवार से ही मेरे पारिवारिक संबंध थे, क्योंकि उनके पिताजी मेरे यहाँ जिस संस्थान में पढ़ता था उसमें क्लर्क। सर, कैसे देखते हैं जो आखिरी जो उनका मैडम का ट्वीट था 370 को लेके था? मुझे लगता है कि जैसा उन्होंने ट्वीट किया है कि जो उनकी इच्छा थी वो मोदी जी ने कर दिया और शांति की श्वास लेकर के वो सोई हैं, तो ये बहुत बड़ी तपस्या उनकी पूर्ण हुई है। हम सब हतप्रभ हैं। एक हफ्ते पहले मेरी उनसे बात हुई थी और एक महीने पहले उनके घर भी गए थे। वह बिल्कुल ही स्वस्थ थी और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, पर अचानक इस तरह से घटना घटित हो जाना, पूरा देश अचंभित है, पूरा देश को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हम इतनी जल्दी सुषमा जी को खो देंगे। सुषमा जी का जो संसदीय कार्यकाल रहा है वह अविस्मरणीय रहा है, और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में नए सदस्यों को अपने गाइडेंस में रखती थी कि किस तरह से वो और ज़्यादा निखर सकें, उनकी प्रतिभा आगे बढ़ सके, मुझे नहीं लगता है कि उस कमी को कोई दूसरा पूरा कर पाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्याम जाजू जी। सर, एक दुखद खबर आई कल के दिन, एक सुखद खबर थी जो कश्मीर के लोगों के लिए था, और मैडम ने आखिरी ट्वीट जो कश्मीर के लोगों के लिए 370 हटाने के बाद किया था। सुषमा जी के दोनों चेहरे मैंने देखे हैं। जब पार्टी विपक्ष में थी तब भी उनका नेतृत्व मैंने देखा है, और जब पार्टी सत्ता में थी तो विदेश मंत्री के रूप में यशस्वी कार्यकाल उनका मैंने देखा है। तो जब ऐसी नेता जो इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए भी जमीन से अपना संपर्क तोड़ती नहीं है, लाखों कार्यकर्ताओं को नाम से पुकारती है, और पार्टी जहाँ जो जो दायित्व देगी, विदिशा से लड़ना है विदिशा गई, बेल्लारी से लड़ना है बेल्लारी गई, दिल्ली का मुख्यमंत्री होना है दिल्ली में मुख्यमंत्री पद लिया, और दिल्ली से सांसद बनना है तो वो भी काम किया। तो ऐसी नेता जब जाती है तो पूरे पार्टी की क्षति होती है, पूरे देश की क्षति होती है। उनके गुणों का अनुकरण करके ही इसकी पूर्ति की जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव मैडम का, क्योंकि लंबा कार्यकाल आपने भी काम किया उनके साथ, किस तरह से? मुझे याद है जब हम विपक्ष में थे तो अंडमान निकोबार में मणिशंकर अय्यर जी ने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से सावरकर जी की स्थापित की हुई पट्टिका हटा दी थी। तब सुषमा जी ने हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को अपने नेतृत्व में वहाँ ले जाकर वो पट्टिका वहाँ पर स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तब मैंने देखा वो केवल क्रोधित चेहरे से रिएक्ट करने वाली नेता नहीं थी, उन्होंने तुरंत अपने विचारधारा से वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखने वाली इस प्रकार की एक अड़िग इतनी बड़ी नेता है, ये मैंने उस समय में देखा है। सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कहें या अटल जी की या सुषमा जी की, एक उनकी इच्छा थी कि 370 हट जाए, और ये स्थिति तभी पैदा ऐसा हुआ कि 370 हटने के बाद ही मैडम चली गई। सुषमा जी का लास्ट ट्वीट यही व्यक्त करता है उनका चिंतन और उनका व्यक्तित्व कैसे था। जब जिस विचारधारा के लिए 370 हटाने के लिए अपने जान दे दी, अपने पूरा जीवन दे दिया, वो यशस्वी होने के बाद जो उन्होंने आखिरी ट्वीट करके देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है और फिर प्राण त्याग किया है, इससे उनका चरित्र और चारित्र्य ये ध्यान में आता है। ये श्याम जाजू थे जो याद करके भावुक हो रहे थे। कैमरामैन प्रशांत के साथ पंकज वानखेड़े, नवतेज टीवी, नई दिल्ली।